दोस्तों, धरती के ऊपर पुराने समय में ऐसे जीव पाए जाते थे जो कि आज के जीवों के मुकाबले काफी ज्यादा खतरनाक थे, और उन्हीं में से हम आज ऐसे दो जीवों की बात करने वाले हैं जो कि आज के समय में पाए जाने वाले जानवरों के पूर्वज थे। और इनमें सबसे पहला नाम आता है सेबर टूथ टाइगर का, जो कि आज के समय के टाइगरों के पूर्वज हुआ करते थे, और ये किसी भी टाइगर से कई गुना ज्यादा खतरनाक थे। वहीं बात करें दूसरे खतरनाक जीव की, तो उसका नाम है मेमथ, जो कि हाथियों के पूर्वज माने जाते थे, और ये दिखने में भी हाथियों की तरह ही दिखाई देते थे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सेबर टूथ टाइगर और मेमथ की बात करने वाले हैं कि आखिर इन दोनों में से सबसे ज्यादा खतरनाक कौन था और उस समय में किसका राज चलता था। तो चलिए बिना टाइम बर्बाद किए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। सबसे पहले हम बात करेंगे इनकी शारीरिक विशेषताओं की। सेबर टूथ टाइगर की बात करें तो ये काफ़ी खूंखार और ताकतवर शिकारी थे। अगर इनके वजन की बात करें तो एक सेबर टूथ टाइगर का वजन लगभग 300 किलोग्राम हुआ करता था, और कुछ अनुमानों के अनुसार ये भी माना जाता था कि सेबर टूथ टाइगर का वजन 480 किलोग्राम हुआ करता था। वहीं बात करें इनकी हाइट की, तो इनकी हाइट 1.5 मीटर होती थी। इनके पास सबसे खतरनाक हथियार इनके केनाइन दांत हुआ करते थे, जिनकी लंबाई 7 से 8 इंच मानी जाती है, जो आज के टाइगर या फिर शेर के केनाइन दांतों से काफ़ी बड़े हुआ करते थे। सेबर टूथ टाइगर की पूंछ काफ़ी छोटी हुआ करती थी, और ये दौड़ने में भी काफ़ी धीमे हुआ करते थे, इसलिए ये घात लगाकर शिकार किया करते थे। इसके साथ इनकी बॉडी भी काफ़ी मस्कुलर हुआ करती थी। वहीं बात की जाए मेमथ की, जो कि आज के हाथियों के समान ही दिखाई देते थे। एक मेमथ का वजन 10 टन होता था, या फिर इससे ज़्यादा भी हो सकता है। अगर बात करें इनकी हाइट की, तो इनकी हाइट सेबर टूथ टाइगर के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा हुआ करती थी। एक मेमथ की हाइट 5 मीटर हुआ करती थी, तो आप सोच सकते हैं कि मेमथ कितने बड़े हुआ करते थे। दोस्तों, मेमथ की खाल भी काफ़ी मोटी हुआ करती थी, जो कि इन्हें शिकारियों से बचाने के लिए काफ़ी मददगार होती थी, क्योंकि इनकी खाल की मोटाई 1.5 इंच होती थी, और इसके साथ ही इनके शरीर पर काफ़ी लंबे बाल हुआ करते थे, क्योंकि मेमथ अधिकतर ठंडे इलाकों में पाए जाते थे, और इसलिए इनके शरीर पर ठंड से बचने के लिए इतने लंबे बाल हुआ करते थे, और ये बाल काफ़ी हद तक शिकारियों से भी इनके रक्षा किया करते थे, जिससे इन्हें चोट लगने का खतरा काफ़ी कम होता था। मेमथ के पास अपने डिफेंस के लिए उसके पैर और दांत हुआ करते थे। अगर इनके दांतों की बात की जाए तो इनके दांत आज के हाथियों के मुकाबले कई गुना बड़े थे। तो दोस्तों, ये तो हो गई सेबर टूथ टाइगर और मेमथ की शारीरिक विशेषता के बारे में बात। तो चलिए अब हम अपना फाइनल डिसीजन रखते हैं कि आखिर इन दोनों में से सबसे ज़्यादा खतरनाक कौन था। अगर इनकी फाइट की बात आती है तो यहाँ पर सेबर टूथ टाइगर मेमथ पर भारी पड़ा करते थे, क्योंकि सेबर टूथ टाइगर काफ़ी फुर्तीले हुआ करते थे, और मेमथ का शरीर काफ़ी भारी था, इसलिए उनके अंदर इतनी फुर्ती नहीं थी। इसके अलावा सेबर टूथ टाइगर सबसे ज़्यादा अपने केनाइन दांतों का इस्तेमाल किया करते थे, और इनके दांत किसी भी जानवर की खाल को फाड़ने के लिए काफ़ी थे, जो कि लगभग 7 इंच लंबे हुआ करते थे। दोस्तों, सेबर टूथ टाइगर काफ़ी माहिर शिकारी थे, जिस कारण वह इतने भारी भरकम और ताकतवर मेमथ का भी शिकार कर लिया करते थे। लेकिन यहाँ पर कभी कभी पंसा पलट भी जाता था, क्योंकि कभी कभार सेबर टूथ टाइगर मेमथ के पैरों के नीचे कुचले जाते थे, जिस कारण उनकी मौत हो जाती थी। लेकिन यहाँ पर ज़्यादातर सेबर टूथ टाइगर मेमथ पर भारी पड़ते थे। सेबर टूथ टाइगर रात को भी बेहतर देख पाते थे, लेकिन मेमथ की आंखें रात को उतना बेहतर नहीं देख पाती थी, जिस कारण भी मेमथ सेबर टूथ टाइगर का शिकार हो जाते थे। तो दोस्तों, सेबर टूथ टाइगर और मेमथ की लड़ाई में ज़्यादातर सेबर टूथ टाइगर की ही जीत होती थी। तो यहाँ पर विनर सेबर टूथ टाइगर को माना जाता है, क्योंकि सेबर टूथ टाइगर के पास काफ़ी बेहतर हंटिंग स्किल होते थे, जो कि उसे इस लड़ाई का विनर बनाते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ आज के इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, और अगले वीडियो में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।